तो देखा आपने, ये कौन है जरा बताइए कौन है। अच्छा फिर एक बार देखिए और तब बताइए कौन है। बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं वही है। शेर से भी ज़्यादा ताकतवर, चीता से भी ज़्यादा तेज, लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक, यह है जंगल बॉय। जी हाँ, जंगल बॉय मतलब मोगली। एक समय था, आपको याद होगा, कि जब जंगल बुक का प्रसारण टीवी पर हुआ करता था, और जैसे टीवी पर जंगल बुक शुरू होता था, अभी भी होता है, तो उस समय जब शुरुआती दौर में ये चल रहा था, तो जैसे टीवी पर प्रसारण शुरू हुआ कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी अपना सब काम धाम छोड़ के चले आते थे मोगली को देखने। मोगली जंगल बुक का जो ये किरदार था, जो हीरो था, उसका नाम था मोगली। अमूमन हम लोग यही समझते हैं कि मोगली एक काल्पनिक चरित्र था, एक मनगढ़ंत किरदार जो लेखक के मन से उपजा हुआ, लेखक के विचारों से उपजा हुआ एक किरदार था। जिस तरह फैंटम है, जिस तरह शक्तिमान जो हाथ ऐसे करता है उड़ जाता है, वो भी काल्पनिक है। उसी तरह बेताल है, उसी तरह मकड़े की तरह चलने वाला व्यक्ति स्पाइडरमैन, ये सभी काल्पनिक है। लेकिन मोगली काल्पनिक नहीं है, मोगली वास्तविकता के साथ था, और एक सच्ची घटना, एक वास्तविक घटना, एक सही सच्ची कहानी के आधार पर जो जंगल बुक के राइटर थे, जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने इस व्यक्ति, इस मोगली जो सही में जंगल बॉय था, इसके को लेकर उन्होंने जंगल बुक की रचना की थी। जंगल बुक को लिखा था, उसी पर फिर फिल्म बनाया गया, एमिनेशन फिल्म्स बने। सब अपने समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक में सबसे लोकप्रिय अगर कोई किरदार था तो वह था मोगली, जंगल बुक का जंगल बॉय। लेकिन अगर ये काल्पनिक नहीं था, अगर ये काल्पनिक नहीं था, तो इसकी सच्ची घटना क्या है, कौन सी घटना थी, क्या थी, आइए इसी पर आज बात करते हैं। 1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास जो जंगल है, जंगल थी उस समय, उस जंगल में कुछ शिकारी गए थे। शिकार की तलाश में जंगल के भीतर जब वो गए, तो वो जो दृश्य देखे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक 5-6 साल का बच्चा लोमड़ियों के, मतलब भेड़ियों के झुंड में खेल रहा है। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह थी कि जो मांसाहारी जानवर थे, वो भेड़िए उस बच्चे को किसी भी तरह से आहत नहीं कर रहे थे, और लग रहा था जैसे वो भेड़ियों के परिवार का बच्चा हो, उसी की तरह वो खेल रहा था। इसको देखकर शिकारियों का दिमाग जो है सो फाकता हो गया। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस बच्चे को पकड़ा जाए, पकड़ने का प्रयास हुआ। जब ये लोग पकड़ने चले, तो वो जो भेड़िए थे, उस भेड़िए के साथ ये बच्चा भी भागा, और बच्चा एकदम उसी तरह दौड़ रहा था जिस तरह भेड़िए दौड़ रहे थे, मतलब चारों पैर से। तो चार पैर तो इसके पास था नहीं, ये तो आदमी का बच्चा था, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर का प्रयोग करके जानवर की तरह यह दौड़ रहा था, बहुत तेज गति से, और दौड़ता हुआ भेड़ियों के झुंड के साथ वो जाके गुफा में छिप गया। खैर, प्रयास जारी रहा और बाद में ये पकड़ा गया। जब ये बच्चा पकड़ा गया, तो इसको आगरा के सिकंदर मिशन आर्फनेज में, मतलब एक अनाथालय में इसको रखा गया। लेकिन यहाँ ये बच्चों के साथ, मतलब आदमी का तो कोई व्यवहार ही नहीं था,
पका खाना नहीं खाता था, कच्चा खाना खाता था जानवरों की तरह, जिसके चलते इसकी दांतें नुकीली हो गई थी, चूंकि कच्चा मांस जंगल में खाता रहा होगा। चार पैरों से चलता था, कम से कम खाना खाता था क्योंकि पका भोजन इसको पसंद नहीं था, कपड़ा नहीं पहनता था, बोल नहीं पाता था, बोलता था तो जानवरों की तरह ही बोलता था उसी भाषा में। लेकिन इसको सिखाने का प्रयास किया गया और धीरे धीरे बहुत प्रयास के बाद यह कपड़ा पहनना तो सीखा, दो पैर से चलना भी सीखा। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया, पका भोजन भी इसको पसंद आने लगा, पका भोजन करने लगा, पैर पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन ये जब सोता था तो ये उस समय सोता भी था जानवर की तरह, दोनों हाथ और पैर को पेट में दबा के और पेट के बल सोता था। लेकिन धीरे धीरे आदतें बदली, लेकिन जबकि ये बच्चों के साथ रहता था, उस अनाथल के अन्य बच्चों के साथ रहता था, लेकिन ये कभी बच्चों के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाया, मतलब आदमी से इसका मिलाप कभी नहीं होता। ये अपनी कुछ बात भी अगर कुछ बताना चाहता था बाद के दिनों में बच्चों से, तो या अपने जो उसके साथ में रहने वाले लोग थे, तो वो जानवर की तरह ही बोलता था। बाद में एक आध शब्द बोलना शुरू किया, लेकिन आदमी का जो व्यवहार होता है, जो सभ्यता होता है, उसको ये नहीं सीख पाया, या यूं कहें कि लेस मात्र ही वो सीख पाया। पूरी भाषा भी नहीं सीख पाया, बुरी बोली भी नहीं सीख पाया, कुछ नहीं। लेकिन इस बीच में उसने एक गलत चीज़ सीख ली और वो था धूम्रपान करना। वो लगातार धूम्रपान करने लगा, बहुत ज़्यादा सिगरेट या जो भी था वो तंबाकू पीता था। इसके चलते उसको क्षय रोग मतलब टीबी का रोग पकड़ लिया और 34 वर्ष के उम्र में यह जो जंगल बॉय था वो मर गया। वो जंगल बॉय कौन था? उस जंगल बॉय को नाम दिया गया था उस अनाथालय में दीना सनीचर, मतलब जिसको हम जंगल बॉय कहते हैं उसी को जंगल बुक में लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने इसका नाम मोगली रखा था, अनाथालय में इसका नाम दीना सनीचर रखा गया था और आम आदमी इसको जंगल बॉय कहते थे। और इसी तरह जंगल बॉय की कहानी समाप्त हो गई। इसी कहानी से प्रेरित होकर जो जंगल बुक के लेखक थे रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने जंगल बुक की रचना की थी। ऐसा नहीं था कि जंगल बुक के लिए उन्होंने मोगली की रचना की थी, एक काल्पनिक मनगढ़ंत चरित्र को बनाया था, ऐसा नहीं था। इस बच्चे की कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने जंगल बुक लिखा, बाद में उस पर फिल्में बनी। और यह जंगल बुक का जो मोगली था, जो दीना सनीचर था, जो जंगल बॉय था, वह जन जन का प्यारा हो गया, दुलारा हो गया। और एक समय ऐसा था कि बच्चे इसको देखने के लिए, इसकी कॉमिक्स को पढ़ने के लिए लालायित रहते थे, और बच्चे ही क्या, बड़े भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बात का पता कभी नहीं चल पाया कि वो 5-6 साल का छोटा बच्चा भेड़ियों के साथ कैसे पहुंच गया। क्या वो जन्म से वहाँ था, उसे कोई किसी ने फेंक दिया था, या क्या था इसको, ये तो केवल संभावनाएं की बात है। यह सारी कहानी, यह सारा रहस्य दबा का दबा रह गया, यह गर्त में रह गया, चूँकि इसको बताने वाला कोई नहीं था और दीना सनीचर 34 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जो बच्चे बच्चे का, एक एक आदमी का प्यारा दुलारा किरदार मोगली था। मतलब मोगली वास्तविक चरित्र है, मनगढ़ंत नहीं है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।